नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और एक संक्षिप्त जानकारी पाक्सो के बारे में देना चाहेंगे, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा है और बताएंगे कि किस तरीके से ये चर्चा में रहा है। पाक्सो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसे साठ में पाक्सो के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर पूछा जाता है कि पाक्सो किससे संबंधित है, किनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, तो ये चिल्ड्रन के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और किससे संरक्षण दिया जाएगा, जब उनके यौन शोषण का कोई भी प्रकरण आता है तो उससे निपटने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ जो है दंड देने के लिए पाक्सो से संबंधित अधिनियम और व्यवस्था बनाई गई है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जिसे साठ में पाक्सो के नाम से जाना जाता है, यह जो है 2012, ये एक्ट जो इसका है वो 2012 का एक्ट है। इसे 2012 ईस्वी में कानून के रूप में जो बनाया गया है। और दूसरी तरफ इसमें 2018 ईस्वी में संशोधन भी किया गया है, और 2018 ईस्वी में संशोधन करके इसमें शामिल किया गया है, यदि बच्चों की यौन शोषण के संदर्भ में कोई भी प्रकरण आता है और उसमें दुष्कर्म से संबंधित मामले की अगर संलिप्तता पाई जाती है और सिद्ध होता है, तो इसमें जो है मृत्युदंड की भी जो है व्यवस्थाएं की गई है। मृत्युदंड की इसमें जो है व्यवस्था 2018 में इसमें संशोधित करके किया गया है। चूंकि इस तरीके की व्यवस्थाएं पूर्व अगर देखा जाए तो संविधान में भी अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बच्चों के वृद्धि विकास और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक गरिमामय वातावरण प्रदान करने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा समय समय पर इसमें कानून बनाया जाता रहा है, लेकिन उनके यौन शोषण के संदर्भ में जो है 2012 ईस्वी में पाक्सो के नाम से ये जो है कानून बनाया गया, जो यौन शोषण के संदर्भ में उनको संरक्षण प्रदान करता है और दोषियों को जो है मृत्युदंड तक की जो सजा देने का समर्थन करता है। अगर देखा जाए तो 1985 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया, और 1986 ईस्वी में बाल श्रम को जो है निषेध किया गया। बाल श्रम निषेध, और 1985 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास विभाग बनाया गया, और इस महिला एवं बाल विकास विभाग को भी जो है 2006 ईस्वी में लाकर के जो मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। एक्चुअली ये इसलिए बताई जा रही है, कहीं ना कहीं पर जो संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन राज्य के द्वारा समय समय पर अपने सामर्थ्य और संसाधन के अंतर्गत किया जाता रहा है। तो इस तरीके से ये सारी बातें यहां पर होती रही हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो 2005 ईस्वी में एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के द्वारा इसे 2007 ईस्वी में स्थापित किया गया, जो कि बालकों के अधिकारों के संदर्भ में वर्तमान कानूनों की समीक्षा करता है और बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सरकार को अपनी अनुशंसा जो है समय समय पर पेश करता है। 2006 ईस्वी में मंत्रालय का इसे दर्जा भी दे दिया गया। 2015 ईस्वी में किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया है, और यह अधिनियम में बाल अधिकार समितियों की बात कही गई है, और बाल अधिकार समितियों के माध्यम से इनके अधिकारों को संरक्षित करने और लागू करने के संदर्भ में प्रयास किया जाता है। बाल अधिकार जो है समितियों की इसमें जो है व्यवस्था की गई है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बाल अधिकार समिति की जो है बनाई जाएगी, और उस समिति के माध्यम से उसके अधिकार कर्तव्य और सारी चीजों का जो है प्रावधान किया गया है। ये कब किया गया, 2015 ईस्वी में किशोर न्याय अधिनियम में। इसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, पहले पूर्व में व्यवस्था थी जिसे यहाँ पे बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया है, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है बातें करता है।
और इसी तरीके से आगे आने वाले समय में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि पहले जहां पर परिसंकट जन स्थिति बताई गई थी वहीं पर अब जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कहीं पर भी जो है नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम आज के इस टॉपिक में पॉक्सो के बारे में जो चर्चा कर रहे थे यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये हाल फिलहाल में इसलिए चर्चा में था क्योंकि मुंबई सुप्रीम हाई कोर्ट की जो खंडपीठ नागपुर के द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसमें जो भी मैटर लाए गए थे जो केसेज लाए गए थे उसमें स्किन टू स्किन टच ना होने के आधार पर मैटर को क्लीन चिट दिया गया, लेकिन यहाँ पर इसका व्यापक विरोध किया गया क्योंकि ये माना गया कि कोर्ट के द्वारा इस अधिनियम की भावना को जो है नहीं देखा गया, क्योंकि भावना इस आधार पर इसमें निहित है कि अगर किसी भी जो है बच्चे की यौन शोषण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी की जाती है जो विभिन्न प्रकार के परिभाषित बिंदुओं पर भले ही नहीं खरा उतरता है लेकिन अगर उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा है और उसका शोषण हुआ है तो वह निश्चित तौर पर जो है पॉक्सो एक्ट का जो उल्लंघन करता है और इसके माध्यम से उसे दंड दिया जा सकता है और देना चाहिए। तो इस आधार पर ये जो है नागपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस निर्णय के कारण से चर्चा में था और इस बात के लिए जो है उसमें विरोध किया गया कि हमेशा निर्णय देते समय पॉक्सो एक्ट की जो भावना का जो है सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से आज के इस हम संक्षिप्त वीडियो में आप लोगों को पॉक्सो के बारे में बताया जो कि 2012 में बना 18 में उसमें संशोधन किया गया। तो पुनः अगले हम संक्षिप्त वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।